एक बार फिर से सेवा शर्त को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन कहना यह है कि सेवा शर्त, नई सेवा शर्त क्यों, पुरानी सेवा शर्त ही क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में अपनी राय, अपना विचार देंगे और मैं अगले संडे को आपके विचारों को इस संडे कमेंट बॉक्स वीडियोज में लाने का प्रयास करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय लेकर हम आए हैं सेवा शर्त। सेवा शर्त आखिर नई सेवा शर्त क्यों, पुरानी सेवा शर्त को सरकार या शिक्षा विभाग क्यों लागू नहीं करना चाहती है। नियोजित शिक्षकों की मुख्य मांगे हैं समान काम समान वेतन, समान सेवा शर्त, राज्य कर्मी का दर्जा। आखिर सरकार पुरानी सेवा शर्त क्यों नहीं लागू करना चाहती है, नई सेवा शर्त बनाने के पीछे इतना समय क्यों, यह तो जवाब लेना ही होगा और सरकार को देना ही होगा। लेकिन अब इस समय मुख्य रूप से सेवा शर्त को लेकर शिक्षक समाज में नियोजित शिक्षकों के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। लोगों का ध्यान अटका हुआ है कि नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त कब आता है और कब से लागू होता है। अगर बात हम मीडिया की कर लें या फिर सूत्रों की कर लें, तो सूत्रों के हवाले से लगातार यह खबरें आते जा रही है कि 15 अगस्त के बाद यानी 15 अगस्त से सेवा शर्त लागू हो जाएगा, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर अभी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन या घोषणा जारी नहीं किया गया है। नियोजित शिक्षकों की मांगे लगातार रही है कि समान सेवा शर्त हमें दें, यानी पुराने शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त बना हुआ है उसी सेवा शर्त को लागू कर दिया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग या सरकार जो है नई सेवा शर्त फिर से नियोजित शिक्षकों पर थोपने का प्रयास लगातार कर रही है। जैसा कि पहली बैठक सेवा शर्त कमेटी का हो चुका है, जो पहले से सेवा शर्त बना हुआ था, पहले से कहने का मतलब कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो 3 माह में सेवा शर्त बनना था वह लगातार बनता गया और मुख्य रूप से बनकर शायद तैयार भी हो गया था, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट की बात आने के बाद में उस सेवा शर्त के कार्य को रोक दिया गया। यानी कह सकते हैं कि उसी सेवा शर्त को पुनरीक्षित कर पुनर्गठित कमेटी जो है उस पर कार्य कर रही है और बने सेवा शर्त को निरीक्षित करके देखकर कुछ जोड़कर कुछ घटाकर वही सेवा शर्त लाने के फिराक में है। लेकिन मुख्य मांग यह होना चाहिए कि नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नहीं बल्कि पुरानी सेवा शर्त है। लेकिन यहाँ अब यह भी लगने लगा है कि जो भी सेवा शर्त नियोजित शिक्षकों को जो 3 माह में नहीं मिल पाया, शायद 5 साल में अब पूरा हो जाएगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों के कारण ही ऐसा लगने लगा है कि फिर से यह मिलने वाला सेवा शर्त जो है उलझ कर लटक कर रह जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि नियोजित शिक्षक संघों के द्वारा ही विभिन्न तरह की मांगे की जा रही है। कई नियोजित शिक्षक संघ या निकालने का मतलब टेट शिक्षक संघों के द्वारा, मैं किसी का विरोध या पक्ष नहीं ले रहा हूं, जो सही चीजें मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि टेट शिक्षकों के द्वारा, टेट संघ के द्वारा मांग किया जा रहा है कि टेट शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में बहाल किया रखा जाए, सहायक शिक्षक समान सेवा शर्त दे दिया जाए, बहुत सारे जिला संवर्ग के शिक्षक बना दिया जाए, कुछ ईमेल के द्वारा यानी कि नेट के द्वारा शिक्षा विभाग को दिया, तो किसी ने ज्ञापन सौंपा है। आखिर फिर से अगर यह कार्य अगर लगातार अगर शिक्षक संगठनों या शिक्षकों के द्वारा अगर जारी रहा तो जो भी मिलना है वह भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बिहार में लगातार, बिहार का पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो एक तरफ कोरोना की मार और दूसरे तरफ अपने आप में हम लोग अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने आप का जो मिलने वाला सेवा शर्त है उसको हम लोग उलझाना चाहते हैं। दो दो मार को झेल कर अगर सेवा शर्त मिल भी जाता है तो कुछ खास नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि बीमा, ट्रांसफर, अन्य चीजें भी जो हैं उसमें जोड़ा जाएगा, मिल सकता है, लेकिन समान सेवा शर्त नहीं मिलेगा। अगर समान सेवा शर्त अगर सरकार लागू कर देती है तो बहुत ही बेहतर काम होगा। राज्य कर्मी की सरकार दर्जा दे दे तो बहुत ही बेहतर होगा। मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहूंगा क्योंकि यह संडे कमेंट बॉक्स फिर से मैं शुरू कर चुका हूं और इस वीडियो में आप दे कि पुरानी सेवा शर्त
के लिए नियोजित शिक्षक को, नियोजित शिक्षकों को पुरानी सेवा शर्त चाहिए या फिर नई सेवा शर्त चाहिए। अगर नई सेवा शर्त सरकार बनाना चाहती है तो उस नई सेवा शर्त में क्या क्या नियोजित शिक्षकों को उसमें सुविधा यानी लाभ मिलना चाहिए, और पुरानी शिक्षा सेवा शर्त जो है सरकार लागू करती है तो उसमें क्या सुधार की जरूरत है। तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि नई सेवा शर्त जो सरकार बना रही है उसमें नियोजित शिक्षकों को मुख्य रूप से क्या क्या चाहिए। मैं सबसे पहला कमेंट में मैं कमेंट कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं कि सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा के साथ ट्रांसफर की सुविधा, अंतर जिला ट्रांसफर, जो दूसरे जिले से शिक्षक यहां पर कार्य को कर रहे हैं उनको अपने गृह जिला में जाने का मौका मिल जाए। ये कुछ बातें, बहुत सारे इसमें चीजें, लेकिन आप कमेंट करके बताएं आपके नाम के साथ में। अगर आप पता बताते हैं अपने कमेंट में तो आपके नाम और पता को भी मैं वीडियो में बताऊंगा और आपके कमेंट के लोगों के बीच रखूंगा और हो सकता है मैं उस कमेंट का कुछ जवाब भी दूं। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसको बजा दें, ऑल पर नोटिफिकेशन जारी कर दें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि जब भी मगध संवाद का वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आप तक जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।